नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल इंडिया मोटिवेशनल 96 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों सही है। LIC, सहारा जैसे समूह या बैंक में फिक्स डिपॉजिट 10 साल 20 साल के लिए डबल जो करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना क्यों, इससे कहीं बेटर म्यूचुअल फंड क्यों माना जाता है। क्योंकि कोई भी शाखा या बैंक के थ्रू यदि कोई बोलता है कि फिक्स में जमा कर दीजिए 20 साल के लिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा करने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जैसे महंगाई आज 10 साल कितना पीछे रहेगा, आने वाले 10 साल में महंगाई कितना आगे जाएगा। यदि आपका 50,000 वो डबल करता है, तो आने वाले 10 साल में आप उस 50,000 का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस समय पे महंगाई आज है, आने वाले समय में कहीं उससे ज़्यादा होगा। तो आपके वो यदि 50,000 का भी डबल करता है, तो आपके लिए उसके लिए कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। क्योंकि आप जिस जगह पे आज खड़े हैं, कल भी उस महंगाई के हिसाब से उसी जगह पे रह जाएंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड में हमारे हिसाब से अच्छा है। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड है क्या चीज़ें। म्यूचुअल फंड में यदि हम पैसा लगा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड भी तो कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होगा, तब जाके हम लोग को म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट मिलता है। तो हम जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। यह लोगों द्वारा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लगाया जाता है। यह भारत सरकार के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर होता है। म्यूचुअल फंड को 3 भागों में बांटा गया है, इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, हाइब्रिड फंड। इसके भी अनेकों भाग आते हैं। इसके मोटा मोटा हम जानते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ज़्यादातर काम आने वाला बस यही है। लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी आती है, मिड कैप में कौन सी कंपनी आती है, स्मॉल कैप में कौन सी कितनी कंपनी आती हैं, आइए जानते हैं। जैसे लार्ज कैप में 1 से 100 तक की टॉप कंपनी आएंगी, और ये कंपनी आधा से ज़्यादा हिस्सा अब भी अपने टॉप कंपनी में इन्वेस्ट करती है। इसमें रिस्क कम होता है और प्रॉफिट अच्छा होता है। वैसे मिड कैप में हमारे मिड कैप में 101 से लेके 250 तक की टॉप कंपनी आती हैं, और इसमें प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो स्मॉल कैप में 250 से प्लस जितनी भी कंपनी आती हैं स्मॉल कैप के अंदर आ जाती हैं, और इसमें रिटर्न अच्छा देता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। और ये अपना पैसा ज़्यादातर अपने फंड का आधा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप के शेयरों में इन्वेस्ट करता है।